हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एयर लेयरिंग करी हुई थी अभी बरसात के टाइम पर। और ये कौन से पेड़ पौधा है आप अगर पहचानते हो तो ये मधुकामनी का पौधा है। और इसकी देखिए मैंने एयर लेयरिंग कर रखी है और आज हम इसको चेक करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत अच्छी जड़ें आ चुकी हैं, तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका रिज़ल्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसकी जो नीचे की तरफ है, देखिए जो मैंने कटिंग करी हुई है उसको आप ऐसे कटिंग कर लीजिए। ठीक है, अब लगता है तो ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैं आपके सामने इसकी टहनी निकाल दी है। ठीक है, और मुझे लगता है इसमें बहुत अच्छे से हो रखी है सारी चीज़ें, तो मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। पहले तो मैं एक सेकंड, मैं अभी आपको ये बता देती हूँ। पहले मैं 2 सेकंड आपका वीडियो ऐसा करती हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने किसी में रख दिया है जो कि मैं आराम से आपका इजी गोइंग इसकी कटिंग थोड़ा सा कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं एक बार इसके बीच में से कटिंग कर लेती हूँ। पहले ये देखिए थोड़ा सा इजी गोइंग, क्योंकि बहुत टाइट हम इसको लोगों को इनको बांधते हैं। एयर लेयरिंग में यही एक चीज़ होती है जिससे जड़ें इजी गोइंग हो जाए, इजी गोइंग तैयार होने लग जाए। तो हम लोगों ने इसको ऐसा, देखिए है ना, अब इजी हाथ, बहुत ढीले हाथों से आप इसको थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जहाँ से भी, और नहीं हो रहा है वापस से इसकी कटिंग कर देते हैं अपन। वापस से इसकी कटिंग कर दिए और इसको हम लोग धीरे धीरे खोलने जा रहे हैं। तो देखिए है ना, आपको थोड़ा वीडियो में अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि बहुत पास से मैंने वीडियो बना रही हूँ। जस्ट धीरे धीरे कि ये लो, ये चीज़ें, ये देखिए। और मैं इसको काटना नहीं चाह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे को लगता है ना कि काटने से क्या होता है ना, कि क्या आपको महसूस नहीं होगा कि हमने चीज़ें वही बता भी रहे हैं कि नहीं बता रहे। इसलिए देखिए ये वापस से मैं तो जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने सारी के सारी ये, अब इसकी इजी गोइंग, ये देखिए, वाओ, ये देखिए वाओ, बहुत अच्छी जड़ें निकल कर आ गई हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर जड़ें, आप देख पा रहे हैं? ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सुंदर जड़ें। अब मैं इसको ऐसे के ऐसे एज इट इज़, ये देखिए एज इट इज़ इसको लगाना है नए पॉट पर। ठीक है, एज इट इज़, तो मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी भी कैसे से उसका तैयार करना है पॉट। कोई भी पॉट आप, अभी तो देखिए मेरे पास पॉटों की थोड़ी कमी लगती है मेरे को, तो यहाँ पर मुझे एक पॉट नज़र आ रहा है मेरा, तो उसी में मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखिए ये खाली पॉट है और इसी में मैं इसको लगा देती हूँ। ये देखिए इसकी मिट्टी भी यहाँ पर, अभी मैंने इसकी खुदाई वदाई करी थी तो इसकी मिट्टी ऑलरेडी मेरे पास अच्छी बनी हुई है, और इसको फिर मैं छांव में रख दूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको मैं अच्छी तरह से खोद देती हूँ। आप जब तक मेरा गार्डन का ओवरव्यू भी देखते रहिए, क्योंकि मैं काटना नहीं चाह रही हूँ एक्चुअली इस वीडियो को। ठीक है, तो ये एक मैंने ऐसी, इसमें यहाँ पर एक स्टिक लगी हुई है उसको वैसे ही रखे लगे रहने देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस यहाँ पर ये एज इट इज़ हमको लगाना है और कुछ नहीं करनी, जैसी जड़ें हैं वैसा का वैसे एज इट इज़ इसको लगा देना है और इसमें ये आसपास से मिट्टी भर देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या करना है, अब नेक्स्ट काम करना है पानी डालने का, थोड़ा सा पुश कर देना है, थोड़ा और इसको आसपास से इसकी भाई चीज़ें इसके लेबल पर कर देनी है। ये देखिए, ठीक है, अब इसको हमको एक तो छांव में रखना है। आजकल वापस से हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा छांव में ले आती हूँ। ये देख सकते हैं छांव में लाकर, ये देखिए
अब इसको थोड़ा सा छांव में ले आएंगे या और इसमें ये जो एक्स्ट्रा एक पौधा निकल रहा है इसके पहले मैं कटिंग कर देती हूँ। और इसमें आप चाहे इसमें कैसी भी, अभी बरसात तो बहुत अच्छी है, और इसमें पानी डाल देना है, ये देखिए। ठीक है तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बड़ा वाला इसी मदर प्लांट है, और इसी का अभी मैंने जो एयर लेयरिंग करी है वो ये छोटा प्लांट में कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आप भी अपने पौधों में ऐसी एयर लेयरिंग कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरा पॉट, दोनों मदर प्लांट और ये इसका बेबी प्लांट हो गया, इसी के पार्ट से जो निकाला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आप भी चाहें तो ऐसे एयर लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने अजमाने के लिए मैं हमेशा मोस्टली करती रहती हूँ, किसी में भी कर देती हूँ, तो जो लग जाए तो बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।